दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए जो कि बुखार के वजह से कौन सी दवा प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, तो अगर बुखार की समस्या है या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया की समस्या है, तो उस कंडीशन में छोटे बच्चों के लिए कौन सी दवा प्रयोग करना चाहिए और ज्यादातर डॉक्टर कौन सी दवा सलाह देते हैं, तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि कौन सी दवा हमें इन समस्याओं में प्रयोग करना चाहिए और किस कंडीशन में देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि बच्चों के लिए कौन सी दवा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है आइबुजेसिक प्लस सिरप, यह एनाल्जेसिक सिरप है, और उसके साथ साथ में आप मोनोसेप 50 mg सिरप बच्चों में प्रयोग करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आइबुजेसिक प्लस के बारे में, इसमें साल्ट क्या मिलाया गया है, कंटेंट क्या है। तो आइए जानते हैं, इसमें जो साल्ट मिलाया गया है आइब्रुफेन एंड पैरासीटामॉल। आइब्रुफेन का काम होता है अगर हमारे शरीर में या बच्चे के शरीर में कहीं पे भी दर्द हो तो वहां पे ये काम करता है। पैरासीटामॉल अगर बुखार उतारने का काम करता है, इसलिए आइबुजेसिक प्लस सिरप का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब मोनोसिप के बारे में जानते हैं, इसका जो कंटेंट है सेफाडॉक्सिम 50 mg और 100 mg का भी आता है। यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। इस सिरप को आप बच्चों में किसी भी मर्ज में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सर्दी जुखाम खांसी वायरल इन्फेक्शन फीवर की समस्या हो वहाँ पे मोनोसेप सिरप का आप प्रयोग करवा सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन हो वहाँ पे आप इसको प्रयोग करवा सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इस सिरप का प्रयोग बच्चों में निमोनिया की समस्या हो, सर्दी हो, जकड़न हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया करते हैं। इन दोनों सिरप का प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर बच्चों को बुखार की समस्या है, जकड़न की समस्या है, निमोनिया की समस्या है, तो आप सबसे पहले आइबुजेसिक प्लस सिरप का प्रयोग करना होता है। अगर बच्चे आपके अगर 1 साल के हैं तो 5 ml दिन में 3 बार प्रयोग करवा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और आइबुजेसिक सिरप को पिलाने के बाद 5 मिनट बाद मोनोसेप 5 ml दिन में 2-3 बार प्रयोग कर सकते हैं मोनोसेप सिरप को। इन दोनों सिरप में 5 मिनट का गैपिंग होना चाहिए। इसका साइड इफेक्ट क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये दोनों सिरप लेने से ज़्यादातर कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी जैसे इचिंग होना, मतली आना, रेड कलर का चकत्ते पड़ना, अगर ये कंडीशन हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के अनुसार सलाह लेके बच्चों में इन दोनों सिरप का प्रयोग करवा सकते हैं। और जब भी आप इस दोनों सिरप का प्रयोग करें तो अपने डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप इन दोनों सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमारे न्यू वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।